श्रीलंका की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। देश में लोग ईंधन की बढ़ती कीमतों और खाद कीमतों को लेकर उग्र रूप से विरोध कर रहे हैं। जीवित रहना असंभव हो गया है और परिवारों को अपना दैनिक भोजन नहीं मिल पा रहा है। लोग विरोध कर रहे हैं और संकट से ठीक से नहीं निपटने के लिए गोटबाया राजपक्षा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। डरे हुए राष्ट्रपति अपने बैग के साथ मालदीव्स भाग गए। वहां से वे सिंगापुर गए। आश्चर्यजनक, क्या इसका मतलब यह है कि सिंगापुर ने राष्ट्रपति को शरण दी है? हालांकि सिंगापुर का कहना है कि वे उसे शरण नहीं दे रहे हैं और राजपक्षा निजी यात्रा पर है। इसी तरह राष्ट्रपति ने भी शरण के लिए अनुरोध नहीं किया है। उनके सिंगापुर भाग जाने के बाद राष्ट्रपति ने सांसद के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा ईमेल किया। ईमेल के बाद स्पीकर ने इस्तीफे की घोषणा की। राष्ट्रपति के कार्यालय उनके आवास पर कब्जा कर चुके प्रदर्शनकारियों ने नाचना, पटाखे फोड़ना और शराब पीना शुरू कर दिया। सभी प्रदर्शनकारियों ने सरकारी कार्यालय और राष्ट्रपति भवन खाली कर दिया। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे वर्तमान में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत है। हालांकि अभी भी प्रधानमंत्री के इस्तीफे का विरोध हो रहा है। प्रधानमंत्री रानिल ने देश में सख्त सैन्य शासन का आदेश दिया है। उनके इस्तीफे का लेकर लगातार विरोध हो रहा है। स्पीकर ने पार्टी के सदस्यों से वोट देने और नए अध्यक्ष का चयन करने को कहा है। उनके इस्तीफे के बारे में कोई अपडेट नहीं है। बढ़ती कीमतों के बीच श्रीलंका के लोगों को जरूरी खाद्य पदार्थ खरीदने में मुश्किल हो रही है। पेट्रोल खत्म हो चुका है, खाना महंगा हो गया है, लोगों को परेशानी हो रही है। श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज चल रही है। मैच के दौरान मैदान के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि विरोध के बावजूद दौरे पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। कमिंस ने होटल के आसपास के कुछ कर्मचारियों और कुछ ड्राइवरों से बात की। उन्होंने कहा, उन्हें मुश्किल हो रही है। वे अपने बच्चों को खिलाने की कोशिश करने के लिए एक दिन खाना खा रहे हैं, एक दिन खाना नहीं खा रहे हैं। वे बच्चों के लिए ऐसा कर रहे हैं। जरा सोचिए, जब आपको समय पर भोजन करने की आदत हो जाती है और अगर आपको वैकल्पिक दिनों में भोजन करना पड़ता है तो इसका कारण आर्थिक संकट और महंगाई है। इससे कमिंस काफी दुखी हुए।